आज तक के ऑपरेशन जेएनयू का बड़ा असर, दिल्ली पुलिस ने अक्षत और रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया। अक्षत के कैमरे में कैद अक्षत ठाकुर के एबीवीपी कार्यकर्ता होने की पुष्टि, संगठन के कई रैलियों कार्यक्रमों में शामिल होने के सबूत, एबीवीपी नहीं मान रहा सदस्य। जेएनयू हमले में शामिल लड़की को लेकर आज तक का खुलासा, कोमल शर्मा नाम की ये छात्रा एबीवीपी की सदस्य, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से खुली पोल। जेएनयू हिंसा में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच तेज, 9 पहचाने गए आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। व्हाट्सएप ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट से जुड़े आरोपियों को दिल्ली पुलिस जल्द भेजेगी नोटिस, 44 की हुई पहचान। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज बेलूर मठ में पीएम मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया ध्यान। पीएम मोदी ने कल बेलूर मठ में बिताई थी रात, इसकी इजाजत के लिए बेलूर मठ और पश्चिम बंगाल सरकार का जताया आभार। पीएम मोदी ने बेलूर मठ में उठाया नागरिकता कानून का मुद्दा, बोले ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है। पीएम मोदी ने कहा सीएए में हमने नागरिकता देने के प्रावधान को और आसान बनाया, ये उनके लिए है जो पड़ोसी मुल्कों में पीड़ित हैं। पीएम मोदी ने बेलूर मठ में छात्रों से हाथ उठवाकर मांगा समर्थन, कहा जो आप समझ गए वो राजनीति का खेल खेलने वाले जानबूझकर नहीं समझना चाहते। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिणी कश्मीर से डीएसपी की गाड़ी से हिजबुल कमांडर नावीद बाबू और उसका सहयोगी आतंकी गिरफ्तार, डीएसपी को भी गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैक यूनिट में तैनात था आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह, श्रीनगर में उसके घर पर छापेमारी के दौरान 2 AK-47 और 5 ग्रेनेड जब्त। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बाइक चोरी की वारदात, कैमरे में कैद दिखे आरोपी। आजमगढ़ में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश जख्मी। उत्तराखंड के धनौल्टी में 4 दिन से लगातार बर्फबारी, 7 दर्जन से अधिक गांव में बिजली और संचार व्यवस्था ठप। उत्तरकाशी से भी दिल दहलाने वाली खबर, रॉडी टॉप के पास बर्फ में फंसने से एक आईटीआई छात्र की मौत। नैनीताल में भारी बर्फबारी से टूरिस्ट खुश, लेकिन तापमान 0 से नीचे, कड़ाके की ठंड। टिहरी में भारी बर्फबारी से लोग अपने घरों में कैद, दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। चमोली के बद्रीनाथ में तापमान -13 डिग्री, मंदिर के सामने जमी कई फीट बर्फ। पालघर के तारापुर इंडस्ट्रियल इलाके में तारा नाइट्रेट कंपनी में भीषण धमाका, इमारत का हिस्सा ढहा, 6 लोगों की मौत। दिल्ली के मायापुरी में जूता फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों के झुलसने की खबर। पंचकुला में भीषण सड़क हादसा, एक कार से टकराकर दूसरी कार हवा में उछली। न्यूजीलैंड दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान, न्यूजीलैंड में 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में जल्द वापसी की उम्मीद को झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट में फेल।